मुसलमानों को भी नहीं पता ये सच। पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुके इस्लाम धर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको इस धर्म का असली सच पता है? क्या आपको ये मालूम है कि इस्लाम धर्म में की जाने वाली चीजें आखिर क्यों होती है? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस खाते हैं? आज हमारी वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मौजूद है, जहां हम आपको इस्लाम धर्म की उस सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां तक कि बहुत से मुसलमानों को भी इसके पीछे का सच नहीं पता। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में जो भी बातें बताएंगे, ये सारी बातें तर्कपूर्ण होंगी, इसलिए कुछ भी कह दें या सोचने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले रामायण के बारे में पता होना चाहिए कि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था, उसके नाक और कान काटकर उसे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से छुपाकर रहती थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की और शिवजी प्रकट भी हुए। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग में शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए जो राक्षसों का वंश है वो इसी तरह चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी उस शिवलिंग तक ना पहुँचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म ही ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसीलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है, जिस पर गंगा जल चढ़ाने पर पृथ्वी की पूरी काया पलट हो जाएगी। हालांकि सालों से कई सारे एक्सपर्ट इस बात से इनकार करते आए हैं, लेकिन अगर पुरानी कथाओं की माने तो ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया तो शूर्पणखा के वंशजों का नाश हो जाएगा। शूर्पणखा, जो उस समय अपना चेहरा ढककर रहती थी, वो परंपरा उसके वंशजों ने पूरी तरह निभाई। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढककर रहती हैं, और ये सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें वरदान दिया था। इस वजह से विशेष तौर पर मुसलमान शुक्रवार को महत्व देते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस्लाम पैदा कैसे हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक मजहबी दिनचर्या है। दोस्तों, वहाँ पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वासी थे, और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। वहाँ जंगल तो छोड़िए, हरियाली भी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर मुसलमान मुश्किल से इक्का दुक्का ही कोई पेड़ नजर आता है। और इसी वजह से वहाँ के लोगों को मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती, और इसी कारण मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि रेगिस्तान में दबा दिया जाता है। अब रेगिस्तान में हरियाली तो है नहीं, इसी वजह से वहाँ पर हरा चटक रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो एक सूचक का काम करता है। इसी वजह से इस्लाम धर्म में हरे रंग को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। अरब देशों में पड़ने वाली गर्मी किसी की भी हालत खराब कर सकती है। वहाँ के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनने लगे, ताकि धूप की गर्मी से वो लोग बीमार ना पड़े, और ये प्रथा आज भी चली आ रही है। अरब के देशों में आप देखेंगे कि कैसे लोग अपने सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, ताकि धूप की गर्मी उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। अरब के देशों में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती है, ऐसे में लिंग यानी कि मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी खराब ना हो, इसलिए वहाँ के लोग यानी कि इस मजहब के लोग अपना खतना करना लगे। दोस्तों, खतना यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका आगे वाला हिस्सा काट दिया जाता है, और ये चीज अभी तक भी चली आ रही है। सब लोग एक ही कबीले में खाना बदहोश होते हैं, इसीलिए आसपास में भाई बहन के निगाह कर देते हैं, उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, वो लोग शादी करने के लिए इस बात को जरूर ध्यान देते हैं कि जिससे शादी हो रही है वो उसका सगा भाई या बहन ना हो,
अगर कोई चाचा या मामा वगैरह का लड़का या लड़की है तो उसके साथ ये लोग आराम से शादी कर देते हैं। बस शर्त ये होती है कि जिस शख्स से इस्लाम धर्म में शादी होती थी उसका जन्म अपनी माँ की कोख से न हुआ हो। अब अगर बात की जाए खान पान की, ये तो आप सभी जानते हैं कि अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा आपको और कुछ देखने को नहीं मिलता। वहाँ खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगाकर खाना असंभव था। इसी वजह से वहाँ के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। भले आज हर जगह गेहूं, चावल, फल, फ्रूट पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के ज्यादातर लोग पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। हालांकि पहले लोगों को पता था कि किसी भी जीव को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए जिस किसी भी जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे। और जब जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी तो उस वक्त अल्लाह को याद कर लिया जाता था ताकि जानवर की जो मौत का पाप है वो उसके सर ना लगे। ये चीज धीरे धीरे बढ़ती गई और एक प्रथा में बदल गई और अब तो इसे दुनिया भर में त्योहार की तरह ही मनाया जाता है, जहां जानवरों की कुर्बानी करके लोग उसे खाते हैं। वैसे आज लोग इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते और किसी भी जानवर को खाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में मूर्ति वगैरह को बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए जिसकी वजह से इन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीले से यानी अपने मजहब से खारिज कर दिया। कबीले का एक जगह से दूसरी जगह लगातार आना जाना रहता था, इसलिए वो लोग कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में चार पांच लोग बैठकर खा लेते थे। मुसलमानों के कबीले की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसलिए कबीले में एक आदमी को चार शादियां करने की इजाज़त थी। अब अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो उससे एक चीज साफ होती है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है बल्कि कबीला है, जिसे सिर्फ जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और इनके जो नियम है वो इनके सिद्धांत नहीं बल्कि इनकी दिनचर्या है। जिस भी तरह वातावरण इन्हें मिलता है इन लोगों ने उसी हिसाब से जीना शुरू कर दिया। और आज भी वातावरण और आसपास का माहौल बदलने के बावजूद ये लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। दोस्तों, हमने आपको इस्लाम से जुड़ी जितनी भी बातें बताई वो सारी सच्ची हैं। तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर चाहकर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। और जिस हिसाब से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी देखने को मिलेगी। अब हमारे बहुत से मुसलमान भाई बहनों को ये सारी बातें सुनकर बुरी लग रही होंगी कि हम उनके धर्म को इस तरीके से कह रहे हैं, पर दोस्तों हमारा इरादा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम तो आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहे थे जो पूरी तरह से लॉजिकल हैं। और अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो कह रहे हैं वो वाकई में सच है। और इन सब में भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुद भी ये नहीं जानते कि वो इस तरह की सोच क्यों रखते हैं और क्यों इस्लाम धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग दूसरे धर्म को कम समझते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि मुसलमान लोग ही अपने धर्म को ऊंचा रखते हैं और बाकी लोग अपने धर्म पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हिंदू से लेकर सिख और ईसाई हर तरह के धर्म वाले लोग अपने धर्म को महत्व देते हैं। किसी भी धर्म में, फिर चाहे वो इस्लाम धर्म हो या कोई और, उसमें दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं सिखाया जाता, लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर दंगे होते हैं। जबकि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी को भी ये नहीं पता कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और जो सिद्धांत और नियम कानून वो सिखा रहे हैं वो किसने बनाए थे और किस लिए बनाए थे। लोग तो सिर्फ आंख बंद करके अंधों की तरह उन्हें मानते चले जा रहे हैं, परंतु उसके पीछे का सच किसी को नहीं पता। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।